Hey guys, welcome back to my channel Anvesha the Dance Lover. So yes, ये मेरा third take है intro का voice over का and yes, तो ये मैं सो के थोड़ी देर के बाद का ये video मैंने बनाया था. यहाँ पे ओम still सो रहा है and मैं यहाँ पे फिर जस्ट कैमरा पे मैं सोची कि वॉइस ओवर बढ़ा दूंगी या छोटा दूंगी पता नहीं. देन ये मेरा फेस था, थोड़ा ऑयली दिख रहा होगा बट यस, हम अभी फेस वॉश करेंगे, ब्रश करेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा. एंड अभी मैं हेयर टाई कर रही थी क्योंकि मैं ब्रश करके अभी हेयर टाई कर रही थी क्योंकि फिर बाल खुले, मैं सोची थी कि लाइक आज हेयर वॉश कर लूँगी तो इसीलिए मैंने हेयर जस्ट मतलब टाई कर लिया था कि जब मैं वॉश करूँगी तो फिर वॉश कर लूँगी क्योंकि खुले खुले बाल. फिर अभी बहुत गर्मी भी लग रहा है, मतलब मेरे को गर्मी लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को हर 2 सेकेंड में लग रहा है कि जैसे पानी पी लूँ. एंड दैट्स इट. फिर मैंने ये फेस वॉश लिया, ये टोनी मोली का है और मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सा फेस वॉश है. मैं आपको बाद में व्लॉग में फिर से दिखाऊँगी ये प्रोडक्ट्स जो भी मैंने आज यूज़ किए हैं. हाँ, और अगर आपको मेरा स्किन केयर रूटीन चाहिए तो कमेंट करके बताना. ऐसे मेरा कोई स्किन केयर रूटीन है नहीं, मेरे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जो मैं यूज़ नहीं करती. अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया मैंने, बस ऐसे रखा हुआ है. एंड अगर आपको चाहिए ना स्किन केयर वीडियोज़ तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं एक पता नहीं ऐसे ही नकली वाला स्किन केयर वीडियो बना लूँगी. मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको दिखाऊँगी. क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना मेकअप प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो भी है वो दिखाऊँ? मैं एक पोल भी छोड़ूंगी कम्युनिटी पोस्ट में जिसमें ज़्यादा वोट्स आएंगे, मैं उसको शूट करूँगी. नेक्स्ट व्लॉग मेरा आई थिंक सो वही होने वाला है. और मैं सोच रही हूँ एक प्रोडक्टिव डे वीडियो करूँ. एंड यस, देखो फेस वॉश करने के बाद कितनी फ्रेश दिख रही हूँ. एंड मैंने ना अभी रिसेंटली इसे ऑर्गेनाइज़ किया था बट हाँ, फिर से ये गंदा हो ही जाता है 2-3 दिन में. एंड ये गंदा हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो इसे ठीक कर लेते हैं. तो यहाँ पे मेरे सिरम, टोनर्स एंड ऑल सब खुले हुए हैं. तो ये सिरम जो है वो मम्मी यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी यूज़ करती है, मैं तो बहुत कम यूज़ की हूँ. तो मैंने मैं ना अभी मतलब कि कितने दिन हो गए हैं, 5-6 दिन शायद से हो गए होंगे ये टोनर यूज़ मतलब सॉरी ये सिरम यूज़ कर रही हूँ. और मुझे बहुत ही अच्छा ग्लो इफेक्ट आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी चलो इसे यूज़ करती रहती हूँ. तो ये अभी ख़त्म होने पर आ गया है तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना वीडियोज़ बना लेते हैं. तो यस, तो ये मैंने फेस वॉश करके आई थी ना तो फेस थोड़ा ड्राई ड्राई लगता है तो मैंने सोचा कि चलो लगा लेते हैं. और मेरा कैमरा एंगल इतना ख़राब इस बार मैंने लिया है ना, लिटरली जहाँ पे देखो वहीं पे रख दिया क्योंकि मैंने ट्राईपॉड का यूज़ नहीं किया था. एंड यस, तो अभी मैं इसे भर के रख रही थी. तो यस, तो चलो अभी हम देखते हैं. मैं अभी अच्छे से निकाल के फिर वीडियो बना रही थी तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरा एंगल को एडजस्ट करने का सोचा एंड फाइनली मुझे एंगल मिल गया. यस, सो गाइज, यहाँ पे मैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को और मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो अलग करी थी. लाइक ये जो मेकअप प्रोडक्ट है ये बहुत ही अर्जेंटली जो यूज़ किया जाता है ना, लाइक हाईलाइटर मतलब कि सारे लाइन वाइज है, लाइक प्राइमर मतलब कि फाउंडेशन, देन कॉम्पैक्ट, देन लूज पाउडर, देन हाइलाइटर, देन ब्लश, मतलब एवरीथिंग पूरा लाइन वाइज मैंने रखा है. लाइक यूज़ करने के लिए ना ईजी होता है. एंड मैंने ये एक ब्रेड का जो डब्बा होता है ना वो ऐसे पड़ा हुआ था एंड सो मैंने सोचा ऐसे रख लूँ तो इसको मैंने ऐसे यूज़ किया है. और जो आपको बड़ा वाला बास्केट दिख रहा होगा ना उसमें मैंने अपने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं. लाइक आपको ये ब्लू बॉटल दिख रहा होगा वो बॉडी लोशन का है. देन मैंने रोज़ वाटर भी रखा है कि जैसे कि लाइक बहुत बार क्या होता है ना टोनर लगाने का मन नहीं करता और रिफ़्रेशिंग फ़ील करने का मन करता है. हाँ, टोनर से रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है, मैं बोल नहीं रही हूँ, बट रोज़ वाटर भी बहुत बार यूज़ होता है. लाइक पैक्स एंड इसके लिए भी यूज़ होता है तो मैंने ऐसे रखा हुआ है और ये अभी तक मैंने खोला भी नहीं है. मैं बोल रही हूँ आधे से ज़्यादा चीज़ मेरे खुले नहीं होंगे, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया होगा. वैसे प्रोडक्ट्स भी रखा है, लाइक बहुत सारे क्रीम्स भी है, लाइक डॉट एंड की का शायद से दो एक या दो है. हाँ, क्रीम्स वो भी मैंने यूज़ नहीं किए हुए हैं. और भी है जो अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, लाइक प्लम के क्रीम्स एंड ऑल, वो भी अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, देन फिर आपको मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने ऑर्गेनाइज्ड स्किन केयर एंड मेकअप वाले डब्बे के साथ. सो यस, कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये. और देखो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे स्किन केयर ही हैं और यहाँ पे मेरे जस्ट मेकअप वाले चीज़ें हैं.
और हाँ सो यस, तो चलो अभी इन्हें रख देते हैं फिर से। तो ये मेरा एरिया है जो आपको वहाँ दिख रहा है, वो कबर्ड है, ऊपर भी कबर्ड है, वहाँ पे स्टोरेज की चीज़ें रहते हैं, और यहाँ पे मेरे पहले बुक्स रहते थे, फिर पता नहीं प्रोडक्ट्स रहने लगे, फिर बुक्स, फिर देन प्रोडक्ट्स रहने लग गए। तो सबसे नीचे वाले में वी जस्ट कीप द स्टोरेज वाले, मतलब कि यूज्ड स्टोरेज जो होता है ना, लाइक हाँ डेली लाइफ में यूज़ हो जाता है वो वाले चीज़ें, उसके ऊपर मैंने अपने सारे डेली बेसिस वाले प्रोडक्ट्स रखे हैं, ऊपर में मेकअप एंड ब्रशेस रखे हैं, और सबसे ऊपर में मेरे बैग्स हैं, बहुत सारे बैग्स जो हैं उसके कलेक्शंस हैं, मैं कभी दिखाऊंगी तब पता चलेगा। और हाँ थोड़ा मैसी दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे में सब परफेक्ट नहीं दिखता, जब परफेक्टली सूट करो तभी अच्छा दिखता है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, एंड हाँ मैंने बोला था ना क्लोज़अप दिखाऊंगी प्राइस वाले सेक्शन का, तो ये कुछ क्लोज़अप है। हाँ यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो मैंने बाइंडिंग नहीं किए हुए हैं, और आज मेरा प्लान भी था बाइंडिंग करने का, बट अफसोस मैंने नहीं कर पाया। एंड हाँ यहाँ पे हमने जगन्नाथ जी का जो है ना हमने रखा है, उसमें ना हमने वो बल्ब लगाया जो हम लोग वाइट कलर लगाए थे, बट मम्मी ने बोला एक बार येलो लगा के देखते, और येलो लगाया तो पूरा ब्राइट हो गया, एंड दैट्स लुक्स सो गुड। फिर मैंने यहाँ पे भी दिखाया, एंड हम थोड़ा सा मेकओवर करते ही रहते हैं हर बार, थोड़ा यहाँ वहाँ करते रहते हैं, एंड फाइनल लुक कुछ ऐसा आया। एंड यहाँ पे ना ओम रो रहा था नहाने के लिए, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट कर दिया, मम्मी उसको पकड़ पकड़ के ले रही थी। फाइनल OOTD ओम का, तो यस ये ओम ने कुछ कुर्ता पहना था, और उसको ना जैसे इन करना था, उसको जो भी चीज़ देखो उसको इन करना रहता है, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था कि इन नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे मैं जो कैफे खलील का जो कहानी सुनो 2.0 है वो वाला सुन रही थी, चाउमिन खा के, मेरा ब्रेकफास्ट था, एंड यस बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, मतलब सूदिंग सा गाना था। देन मैंने नवजोत आहूजा का धुन, देन बयान, देन अनुव जैन का बारिश है, लिटरली बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स आजकल मैं सुन रही हूँ, एंड दीज आर मतलब ये मेरे टाइप के सॉन्ग्स भी हैं, एंड मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे सॉन्ग्स, तो यस। एंड सजेस्ट कर सकते हो आप लोग भी गाना मेरे को सुनने के लिए। एंड यहाँ पे मैं लैपटॉप देख के कुछ प्रोडक्टिव वीडियोस देख रही थी, लाइक प्रोडक्टिव डे, स्टडी व्लॉग्स एंड ऑल, मेरे को ये सब भी बहुत पसंद है देखने के लिए। एंड देन फिर मैं नहाने गई खाने के बाद, और मैंने दिखाया कि ये मेरा कुछ नहाने के पहले वाला लुक है, एंड देन नहाने के बाद का कुछ ऐसा लुक था। तो मेरे को ना ये ड्रेस मैंने कब लिया था और वो मेरे को फिटिंग आ रहा था, लाइक हाँ 7th के टाइम ही लिया था, एंड मेरे को ये बहुत ज़्यादा फिटिंग आ रहा था, एंड अभी ये ड्रेस मेरे को एकदम लूज़ हो रहा है, मैंने अभी अभी इसे पहनना स्टार्ट किया, एंड देन देखो एकदम लूज़ हो रहा है। तो फिर मैं इसको देख के लाइक फिर मैं बिलीव नहीं कर रही थी ये मेरे को इतना लूज़ कैसे आ रहा है, मैंने इसे कितने दिनों से पहना भी नहीं था और मेरे को लूज़ आ रहा था। और आज मैंने जैसे कि कहा था आपको कि मैं आज बाल धोऊंगी, तो यस मैंने हेयर वॉश किया था, एंड यहाँ पे मैं उसे सुखा रही थी, एंड मैं भी अपने बाल को टच भी कर रही हूँ कि कैसे फील हो रहे हैं, एंड मेरे को सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। सो यस, तो चलो अभी हम मैं आपको दिखा रही थी ना, हाँ उस टाइम मैंने आपको दिखाया ना बॉडी वॉश एंड ऑल, तो हाँ चलो मैं आपको दिखा रही थी। ये टोनी मोली का ब्लूबेरी फोम क्लिंजर जो कि मेड इन कोरिया है, एंड बहुत ही अच्छा है, और ये प्योर का प्योर एंड जेंटल बॉडी वॉश, ये भी बहुत अच्छा है, एंड आप यूज़ कर सकते हो, ये सोप फ्री है। एंड अभी स्किन केयर का ये मैं क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग रिफ्रेशिंग टोनर बायोटिक का, और ये एम कैफिन का ग्रीन टी फेस सीरम, एंड डॉक्टर सेट्स का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन इज़ जस्ट लव, ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। एंड ये प्लम का मेरे पास दो है, शीर मैट क्रीम और एल्यूमिनेंस क्रीम, बहुत अच्छे हैं। और ये अर्थ रिदम का लिप एंड चेक टिंट, ये मैंने बस यूज़ किया है आज, एंड मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लगाते हुए, एंड ये बहुत ही गंदा गंदा दिखेगा क्योंकि इसका कैमरा एंगल एकदम गंदा है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। एंड यस मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं मतलब थोड़े थोड़े क्लिप्स लगा के टाइम लैप्स कर रही हूँ, एंड यस ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सिरम लगा लिया, अब मैं इल्यूमिनेंस क्रीम लगा रही हूँ, ये एकदम ना वार्म क्रीम होता है, विंटर के लिए बेस्ट है, ये ठंडा भी नहीं लगता स्किन पे, एकदम वार्म है, जेंटल है। एंड ये शीर क्रीम जो है ये तो बहुत ही अच्छा है, लाइक इट विल गिव यू थोड़ा सा ब्राइटनेस
और जो आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है एंड ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रही थी एंड देन मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डॉक्टर सेट्स का जो सनस्क्रीन है। ये ना ऑलमोस्ट मतलब मेरे को लगता है कि ये ख़त्म हो गया है, बट जब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करती हूँ तब देन ये निकल जाता है एंड मैं न्यू नहीं लेती हूँ। तो यस, अभी ये ख़त्म ही हो जाएगा और कुछ दिन के बाद, एंड आपको दो फिंगर टिप्स में इसे लेने होते हैं एंड अप्लाई करना होता है। देन ये मैंने अर्थ रिदम का लिप एंड चिप टिंट लिया, मैंने सोचा कि चलो आज लिप एंड चिप टिंट भी लगा लेते हैं। सो यस, मैंने ये लिया एंड जस्ट कुछ इस टाइप से, और मैं ये ज़्यादा लगाती भी नहीं हूँ। ये इसका पैकेजिंग इतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा निकल जाता है, बट कोई नहीं, चलता है, पर काम अच्छा करता है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लगाती हूँ तो ये स्टिक करता है मेरे स्किन पे, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती। एंड ये आज मेरा आउटफिट ऑफ द डे, एंड मैंने इसे इन किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा अंदर घुसाया हुआ है इसलिए वह ऐसा दिख रहा है। एंड ये फिर मैं गई थी ओम को उसको उसके दोस्त के घर छोड़ने, तो मैं फिर जाने टाइम तो वीडियो नहीं की थी, आने टाइम मैंने जस्ट वीडियो किया जब मैं शूज़ निकाल रही थी एंड ऑल, और मम्मी जैसे मेरे को घर के अंदर घुसा रही थी, देन उसी का ही वीडियो मैंने बनाया। एंड यस, लेट्स गो इनसाइड द हाउस। तो यहाँ देखो मेरी मम्मी मेरा मेरे को जस्ट एंटर कर रही थी घर के अंदर। एंड ये शाम को जब आज मतलब क्या हुआ था ना कि बोरिंग सा लग रहा था, और एक बच्ची भी आई थी प्यू, एंड उसके साथ मैं चिल कर रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो कुछ खाने को कम मतलब कुछ खाते हैं। देन हमने फ्रेंच फ्राइज़ रखा ही हुआ था एंड आलू टिक्की, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिया एंड मैं भी आपको दिखा रही थी कि देखो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया। एंड ये पापा ने कब लाया था पता नहीं, कब से लाया था, हमने बनाया नहीं था, क्योंकि ना फ्रेंच फ्राइज़ आलू टिक्की ये लाते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो गैप गैप में लाने से अच्छा होता है, ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाने भी नहीं होता। एंड यस दैट्स इट, तो ये आलू टिक्की भी मैंने निकाला बट खाया नहीं था। सो यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही थी। बाय द वे, आपने मेरा हेयर स्टाइल देखा था तो मैं इसको देख रही थी पोनी में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं, बट मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया और ये अच्छा दिख रहा था। ये हुडी में उसका लुक नहीं आ रहा था आई थिंक सो, तो मैं इसे शर्ट में आज ट्राई करने वाली हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर ये वाले पार्ट का दे रही हूँ ना, खाने वाला पार्ट का, ये सुबह सुबह का है, अभी 8:30 बजे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मुझे आज व्लॉग अपलोड करना है और न्यू व्लॉग भी डालना है। सो फाइनली हमारा फ्रेंच फ्राइज जो है रेडी हो चुका है एंड अभी सर्व करते हैं फिर चलते हैं। मैं इसमें सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल करके लेके गई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। बाय बाय।